और सीधे भोपाल का रुख करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जबकि जो ठीक होकर अपने घरों के लिए 45 लोग गए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में 416 कुल एक्टिव केस ही बचे हैं। कल हमने सैंपल 76,394 सैंपल लिए, पॉजिटिविटी रेट संक्रमण दर हमारी अब 0.03% रह गई है, जबकि रिकवरी रेट ठीक होने की हमारी 98.8 है। सैंपल लेने की प्रक्रिया इसी तरह से लगातार जारी रहेगी, जिससे तीसरी लहर का अंदेशा भी अगर कहीं दिखता हो तो उसके फन को वहीं कुचला जा सके। सर, दिग्विजय सिंह कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, तो लव जिहाद धर्मांतरण कानून की क्या आवश्यकता है? ओबीसी के साथ तुलना करिए ब्रह्म मोहन रावत जी के साथ। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को लेकर के लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य हमेशा तोड़ने और विभाजनकारी रहता है। उन्होंने राष्ट्रवादी सोच जिनका है उनकी बात कही है, दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। जो शब्द उन्होंने लव जिहाद प्रयोग किया है धर्म स्वातंत्र विधेयक का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए विधेयक आया है कि जो लव के नाम पर जिहाद की तरफ ले जाते हैं। आप तो इनकी सारी तुलनाएं उठाकर देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी हर टूट में विभाजन दिखेगा या वैमनस्यता या सांप्रदायिकता दिखेगा। इंजन में गड़बड़ी थी, अब कांग्रेस का जिसने सफाया कर दिया हो, जिस इंजन की वजह से आज तक वो पटरी पे ही नहीं आ पा रहे हो, तो उनको तो उसी में गड़बड़ी नजर आएगी मित्र, उन्हें किस में नजर आएगी फिर? नेता प्रतिपक्ष नहीं बना 10 साल से, देखो मैंने कल भी कहा था बर्नौल भेजने की, मैं आज भी कह रहा हूं इनका कोई इलाज नहीं है। इतनी मुस्तैदी से अगर ये अपनी पार्टी पे ध्यान दें तो शायद कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश पैदा हो, अन्यथा डूबता जहाज है।